आपका मार्गदर्शन और आपका सहयोग विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने में एक सकारात्मक चर्चा जिस प्रकार से एक उत्तर प्रदेश की छवि पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अच्छी चर्चा होती है, उसमें आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन मिलेगा, मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जो शब्द आप मेरे प्रकट किए उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें प्रदेश में बहुत गंभीर समस्याएं आ गई, बाढ़ भी है, कानून व्यवस्था भी है, विद्युत व्यवस्था भी है और भ्रष्टाचार भी है। ये सब पे चर्चा करेंगे आप, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका अधिकार है विभिन्न नोटिस देने का, तो आप देंगे, हम सभी के ऊपर चर्चा करेंगे, सरकार सबका जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है माननीय अध्यक्ष जी, बाय। अरे रुको ना यार, वो बोलने को पता तो चले कि नहीं है, अब हम बोल चुके। चलो माननीय सदस्य, चलो। अरे वर्मा जी, अरे आप क्या चाहते हो? नहीं, इससे तो दूर नहीं आऊंगी। आपका विषय क्या है? विषय यह है कि आज नेता प्रतिपक्ष ने बिजली के ऊपर नियम 56 में सूचना दी है, उसको मैंने स्वीकार किया है। जो सूचना आपने दी है उसको मैंने स्वीकार किया, तो उसके ऊपर चर्चा होगी नियम 56 पर, तो आप क्यों ये करना चाहते हैं? चलिए, आपका मैसेज हो गया, मेरा आपसे निवेदन है। नहीं, आप प्रश्नकाल में रुचि ले रहे हैं तो आप चलो, अगर आपके प्रश्नकाल में रुचि नहीं है श्रीमान अतुल प्रधान, तो आप रहे हो सकते हो। मैं अभी करते हैं, दूर बैठो, चलो अपनी जगह में आप लोग करते हैं जी। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो सूचना दी है मैंने उस सूचना को स्वीकार किया है, आपके द्वारा दी गई सूचना को स्वीकार किया है। अभी नियम 56 मध्य आएगा तो मैं आपकी सुनूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर जाओ। अगर आप गंभीरता से, अगर आप चाहते हैं कि हाउस स्थगित ना हो, क्योंकि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और पहले भी अभी भी नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हो कि आगे विधानसभा का आज का सत्र अच्छी तरीके से चले, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग अपनी सीट पे चले जाएं। अगर आप अपनी सीट पे जाएंगे तो अच्छी तरीके से हाउस चलेगा, आपकी बात आएगी। आप लोग चले, प्लीज चले। या आप मुझे टेस्ट करने आए थे कि अपना टेस्ट देने आए थे? नथी खा, प्रश्न संख्या 1, डॉक्टर आगिनी। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मेरा प्रश्न हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी से है कि गंभीर बीमारियों के लिए सरकार के द्वारा क्या योजनाएं बनाई गई हैं, उसके रोकथाम के लिए हमारे गरीब जनता की